वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ओमकार और आज हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं जीप मेरिडियन और जीप कंपास के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जीप मेरिडियन का लिमिटेड मॉडल, लिमिटेड ऑप्शनल मॉडल जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक 4x2 वाला मॉडल है, बट यहाँ पे हमारे पास जो जीप कंपास है ना वो एक एस मॉडल है और ये एक 4x4 वाला मॉडल है। तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे चेंज है दोनों गाड़ियों के अंदर, बट मतलब क्या कुछ जो मेन में डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे जो बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसकी फ्रंट लुक देख लीजिए। इसके अंदर आपको जो बहुत सारा क्रोम का एलिमेंट मिलता है जो कि आपको जीप कंपास के जो टॉप मॉडल के अंदर भी जो है नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ डेफिनेटली देख पाओगे। यहाँ पे बहुत सारा जो एक क्रोम दिया है और यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी है नीचे के साइड में आप देख सकते हैं। हेडलैम्प का सेटअप तो आपको लगभग सेम मिलता है, आपको प्रोजेक्टर एलईडीज मिलता है, प्रोजेक्टर रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं हेडलैम्प के अंदर। देन आपको इसके फॉग लैम्प के अंदर भी जो एलईडी रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और इसकी जो अगर आप फ्रंट लुक देखें ना तो ये आपको काफ़ी प्रीमियम मिलती है जीप कंपास से। तो ये एक बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर। बाकी तो आप यहाँ पे इसके अलॉयज भी देख सकते हैं, ये आपको 18 इंचेस के जो ये मल्टी स्पोक अलॉयज मिलता है जो कि मतलब इसकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही मतलब क्लासी लगती है। और यहाँ पे साइड में जो है अगेन मेरिडियन की क्रोम में जो है बैजिंग दी है और नीचे के साइड में भी जो है क्रोम की जो है स्ट्रिप्स दी है, ऊपर के साइड में यहाँ पे भी जो है क्रोम की स्ट्रिप्स दी है। तो बहुत सारा आपको क्रोम मिलता है, बस यही नहीं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको जो क्रोम मिलता है और पीछे के साइड में भी आपको बहुत सारा जो है क्रोम मिलता है। तो यहाँ पे आप वो चीज़ देख पाओगे कि यहाँ पे भी जो बहुत सारा क्रोम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये अपनी जीप कंपास है जहाँ पे आपको जो है ये थोड़ा मैट फिनिश मिलता है, तो ये थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है बट ये थोड़ा जो है प्रीमियम लुक देता है। और डेफिनेटली जो ये गाड़ी मतलब ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएगी जितनी ये जीप कंपास करेगी, बट मतलब ये भी बहुत कैपेबल है बिकॉज सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सेम मिलती है। आपको मतलब जो इंजन है वो पूरा ही सेम मिलता है, 2 लीटर्स का डीजल इंजन है और 170 PS की जो पावर प्रोड्यूस करता है, 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ऑलमोस्ट जो स्पेसिफिकेशन है इंजन के बारे में वो पूरे ही सेम है। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसके अलॉयज कुछ आपको इस तरह के मिलते हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 4-चैनल ABS वाले जो है चारों व्हील्स के अंदर जो डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं तो वो एक चीज़ है। अगेन आप यहाँ पे इसकी जो है मतलब साइड लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है ये मैट फिनिश मिलती है, मतलब जो क्रोम है वो इसके अंदर जो है बहुत सारा मिसिंग है। मिसिंग मतलब यहाँ पे जो मैट फिनिश दिया है और उस गाड़ी के अंदर क्रोम फिनिश दिया है, बस ये आपको एक डिफरेंस मिलता है। दोनों गाड़ियों के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो वो तो चीज़ें सेम है। डायमेंशन के अंदर एक बड़ा डिफरेंस है कि वो गाड़ी के अंदर आपको जो है 4.7 मीटर्स की जो है 4.76 मीटर्स की जो आपको उसके अंदर जो है लेंथ मिलती है, बट इस गाड़ी के अंदर आपको जो है 4.4 मीटर की लेंथ मिलती है। तो अराउंड 360 mm का जो है दोनों गाड़ियों के अंदर लेंथ के अंदर डिफरेंस है। हाइट के अंदर भी एक छोटा डिफरेंस है 40 mm का शायद से, तो उसके अंदर जो है 1.7 मीटर्स की जो हाइट है और इसके अंदर जो है 1.6 ऐसे कुछ भी मीटर्स की इसकी जो है हाइट है। विड्थ के अंदर भी एक छोटा बड़ा मतलब इसके अंदर जो आपको डिफरेंस मिलता है जो कि अगेन 40-50 mm का ही डिफरेंस है, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। 1.8 मीटर्स की आपको इसकी जो है विड्थ मिलती है मेरिडियन की और इसकी थोड़ी कम मिलती है उससे, तो वो आपको एक डिफरेंस मिलता है दोनों की विड्थ के अंदर। बाकी तो आप लुक तो देख पाओगे कि आपको ये गाड़ी मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलने वाली है। इसकी जो पिछली लुक है ना वो पर्सनली मेरी मतलब बहुत ही फेवरेट है। और यहाँ पे एक बार मैं आपको इसका जो इंटीरियर दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूअल टोन कलर वाला आपको सेम इंटीरियर मिलता है जो कि आपको जीप कंपास के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको लेदर की जो है अगेन थोड़ी सी फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, यहाँ पे आपको पावर विंडोज़ की कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे आपको जो अपने इलेक्ट्रॉनिक सीट्स रहते हैं उसके अंदर एक मेमोरी फंक्शन आता है, उसके आपको यहाँ पे बटन्स मिलते हैं। और यहाँ पे ये आप सीट्स भी देख सकते हैं कि किस तरह की सीट्स हैं। लेदर सीट कवर्स आपको इसके ऊपर मिलते हैं ब्राउन कलर के और 10.1 इंचेस का यहाँ पे डिस्प्ले है। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो अगेन 10.25 इंचेस का है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक गियर नॉब देख सकते हैं, ये मतलब सारी चीज़ें एकदम सेम है। ये 4x2 है करके आपको यहाँ पे जो बटन्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको इस मॉडल के अंदर जो मिलने वाले हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना बिकॉज इसका जो 4x4 मॉडल है उसके अंदर भी आपको सेम चीज़ें मिलने वाली है। ऊपर के साइड में आप सनरूफ देख सकते हैं, जो जीप कंपास के अंदर जितने साइज़ का आपको सनरूफ मिलता है ना उसी साइज़ का आपको इसके अंदर भी सनरूफ मिलने वाला है। तो एक बार मैं आपको वो चीज़ फिर से दिखा दूँ और अभी मैं आपको ये जो ये जीप कंपास लास्ट टाइम दिखाने वाला हूँ बिकॉज यही सारे आपको चेंजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपको डोर का पैनल मिलता है और यहाँ पे अल्फाइन के आपको सेम स्पीकर्स मिलते हैं। सीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सेम सीट्स मिलती है, बस जो लेदर है उसका कलर अलग है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 4x2 मॉडल है करके, यहाँ पे आपको हिल होल्ड असिस्ट और यहाँ पे फोर व्हील ड्राइव का लॉक कुछ भी आपको मिलता है। और बाकी तो आप यहाँ पे मोड्स का भी जो ये बटन देख पाओगे, तो ये आपको चीज़ें जो ये 4x4 के अंदर वो गाड़ी के अंदर भी मिलेगी, बट उसका जो 4x4 वाला मॉडल अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ये इसकी पिछली सीट्स, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे ये आपको लेग स्पेस कितनी मिलती है और जो इसका सनरूफ है वो कितना है। तो ये कुछ आपको चेंजेस मिलता है। बाकी तो एकदम मतलब और एक सिग्निफिकेंट चेंज जो कि है इसकी बूट स्पेस। तो यहाँ पे एक बार आप इसकी टेल लुक फिर से देखना,
और ये इसकी बूट स्पेस आपको कुछ इतनी मिलती है। स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे नंबर्स डाल दूँगा, ये जो बूट स्पेस है वो कितने लीटर्स की है। और इसको हम बंद कर लेते हैं। इसका बटन भी आपको मतलब सेम पोजीशन पे मिलता है। और इसकी जो टेल लुक है ना, उससे मुझे इसकी टेल लुक ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पे हमारे पास अनुराग भाई भी है, ये अपना ओपिनियन भी हमारे साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, जो कि हमारे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर है और अभी आज हमें मिलने के लिए आए हैं उधर से। तो बहुत ही लंबा रास्ता तय करके आज यहाँ पे आए हैं। तो भाई आपका यहाँ पे मतलब गाड़ी के अंदर आपको क्या मतलब अच्छी चीज़ें लगी? मेरिटेन के अंदर जो है रोड प्रेजेंस है वो गाड़ी थोड़ी बल्कि लगती है, उसके एलॉयज जो है वो ज़्यादा अच्छे एज़ कम्पेयर टू कंपास। और इसके अंदर 7 सीटर जो स्पेस ऑफर की है पीछे बैक में, वो भी कंपास से थोड़ी बेटर है। वो तो कहीं बाहर जाना होगा तो फिर लगेज वगैरह रखने के लिए मेरिडियन बेस्ट ऑप्शन है सर। मतलब मेन मुद्दा ये है कि गाड़ी की जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो 7 सीट इसके अंदर जो है डाल दी है। और अगर आपको 7 सीट यूज़ भी नहीं करनी है ना, तो आप इसकी जो पिछली जो दोनों सीट्स है वो जो इसको फोल्ड कर सकते हैं, तो आप इसको जो ये लगेज के लिए भी यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मैंने फोल्ड कर ली। तो यहाँ पे अभी जो ये 7 लोग नहीं बैठेंगे, यहाँ पे जो ये 5 ही लोग बैठेंगे, बट बूट पे सबको बहुत मैसेज मिल जाएगी। तो उसकी भी यहाँ पे मैं जो ये कितने लीटर्स की बैठ जाएगी उसकी मतलब जो ये नंबर्स डाल दूँगा। और यहाँ पे अगर हम इसको फिर से फोल्ड करें तो आप इसको जो रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुझे मतलब एक फ़ीचर लगा कि यहाँ पे जो है रिक्लाइन भी हो जाती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कितने लीटर्स की बूट स्पेस है, अराउंड 170 लीटर्स की बूट स्पेस है, तो उसका भी मैं एक परफेक्ट नंबर यहाँ पे डाल दूँगा। बाकी तो हम डायरेक्टली चले गए मतलब सेकेंड रो के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे अगेन आपको जो है थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली देख पाओगे। ये आपको सेकेंड रो के अंदर जो आपको जीप कंपास के अंदर स्पेस मिलती है वो आपको सेम स्पेस यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पे एक बार पिछले रो में बैठ के दिखाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको इतनी जो स्पेस मिलती है, कंफर्टेबल है। बट एक चीज़ की ये सीट में जब यहाँ पे फोल्ड करूँगा तब ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगी। तो आपको अपनी हाइट पता है? 5.5। ओके 5.6 इसकी जो ये हाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कितनी स्पेस बचेगी। तो अभी कंफर्टेबल है? थोड़ा लेग रूम में प्रॉब्लम बस। ओके सो मतलब छोटे बच्चे तो यहाँ पे आराम से बैठेंगे, बट बड़ों के लिए थोड़ा सा जो यहाँ पे दिक्कत ही होने वाला है। अभी मैं बात करना चाहूँगा कि आपको मतलब दोनों कार्स के अंदर जो प्राइस का डिफरेंस कितना मिलता है। तो सारी चीज़ें हमने देख ली, हाइट इसकी थोड़ी बहुत ज़्यादा है उससे, तो मतलब बल्किनेस इस गाड़ी का बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। जो इसकी लुक्स है वो जीप कंपास से काफ़ी पसंद आई है, ऐसा नहीं कि मुझे मतलब जीप कंपास पसंद नहीं, वो भी मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज उसकी भी जो लुक्स है वो काफ़ी मतलब एक हिसाब तगड़ा लगता है, कुछ तो भी ऐसा मतलब बड़ा मशीन आ रहा है ऐसा लगता है। तो वैसे आपको लुक्स इसके अंदर भी मिलती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है, तो मुझे थोड़ा मतलब प्रीमियम टच ज़्यादा पसंद है करके मुझे ये ज़्यादा पसंद आई है। और इसकी जो टेल लुक है उसका तो मतलब जवाब ही नहीं है। तो अगर हम बात करें इस मॉडल की कीमत की, तो मतलब ये एक टॉप मॉडल है, तो इस मॉडल जो आता है वो आता है अराउंड 29.60 लाख रुपीज़ का, मतलब 29,60,000 रुपीज़ का। और ये जो आप यहाँ पे मेरिडियन देख रहे हैं ना, ये लिमिटेड ऑप्शनल मॉडल है 4x2। तो इसका जो बेस मॉडल आता है मेरिडियन का वो आता है 29.90 लाख रुपीज़ का, मतलब 29,90,000 रुपीज़ का। और इसका जो टॉप मॉडल आता है ना, जो कि कंपेयर होता है इस मॉडल से, तो वो आता है 36.95 लाख रुपीज़ का, मतलब 36 लाख रुपीज़ और 95,000 रुपीज़ का। ये सारे जो एक शोरूम कीमत है, तो दोनों के अंदर जो 7 लाख रुपये के आसपास का फ़र्क है। तो आपको ये कुछ चेंजेस जो दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता है, ये कुछ लुक्स के अंदर आपको जो फ़र्क मिलता है, तो ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी तो आज के वीडियो के लिए बस इतना था। अगर आपको जीप की कोई गाड़ी देखनी है नासिक के अंदर, बिकॉज मैं आया हूँ नासिक के जीप मोहरी जीप के अंदर, तो अगर आपको नासिक के अंदर ये जीप की गाड़ियाँ देखनी हो तो आप यहाँ पर जो आके विजिट कर सकते हैं। बाकी तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ए सी एम वीडियो में, तब तक ले, बाय बाय।